पंजाब के मशहूर मरूफ नौजवान बिजनेसमैन सैयद हमाद रजा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसटी राइस मिल व वी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड को मिलने इनकी रिहाइश का वाकया फेस फाइल डीएचए लाहौर पहुंचे। मेन गेट पर बैल दी। इतनी देर में सैयद हमाद रजा बाहर तशरीफ ले आए और हमें खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश करके अपने घराने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इनसे इनके बारे में और इनके बिजनेस के बारे में अहम बातचीत की। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज बड़े खूबसूरत यंग पर्सनालिटी हमारे दरमियान है। हम उनकी रिहाइश गाह पर हैं और हम आपको जी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी में। तो बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप बिज़नेस में स्पेशली यंग एज में आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। और ये जी आज के जो हमारे गेस्ट हैं सैयद हमाद रजा साहब हैं जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसजे राइस मिल। तो और भी बहुत इनके पास अचीवमेंट्स हैं, बड़े टाइटल्स हैं। तो सबसे पहले मैं शारी आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो कहाँ से आपने की और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, नाज़रीन को बताइए। मेरा तल्लक बद्दोमल्ली ज़िला नारोवाल से है जी। ये हमारा आबाई कस्बा है। ये कस्बा आज से तकरीबन कोई 150-100 साल पहले हमारे फोर फादर्स ने आबाद किया। हमारी जो लड़ी है वो बरी इमाम काज़मी से जाके मिलती है। तो मेरी इस जगह पे 11वीं पीढ़ी है इस कस्बे में और मेरे बच्चों की 12वीं पीढ़ी है। वहाँ से ही मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट की। मेरे वालद साहब सैयद जवाद अहमद काज़मी साहब सीनियर हेडमास्टर 21वें ग्रेड में रिटायर हुए और एज अ सीनियर हेडमास्टर बद्दोमल्ली उन्होंने 33 साल खिदमात की और आज भी उनके जितने शागिर्द हैं वो अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज़ हैं। वो उनमें से बड़े लोग DIG ब्यूरोक्रेसी में और बड़े ही आला ओहदों पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो फायज़ हैं। तो हम मेरी वालदा मोहतरमा माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने, हम चार भाई हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और हम चारों भाई अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से लेके आज तक इकट्ठे हैं। हमारे माशाल्लाह बिजनेसेस भी इकट्ठे हैं। हमारा मेन जो ग्रुप है वो है रजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। रजा ग्रुप के अंडर जो हैं वो हमारे चार प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले है वी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, जो ये हमारी टेक्सटाइल की मिल है, ये लाहौर के अंदर है और हम टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 200,000 पीसेस पर मंथ बना रहे हैं। इसी तरह हमारा दूसरा सेटअप एसजे राइस मिल्स बद्दोमल्ली में है, जो कंप्लीट एक राइस मिल्स है जिसके अंदर सेला, स्टीम, पॉलिशिंग पूरा एक सेटअप मौजूद है। तीसरा हमारा बिजनेस है अमेरिका में प्रोफेशनल ट्रकर्स के नाम से, वो मेरे बड़े भाई सैयद हमाद रजा काज़मी रन कर रहे हैं। चौथा बिजनेस है हमारे उधर गैस स्टेशन हैं वर्मोंट में, वो सैयद फवाद रजा काज़मी रन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं जी, मैंने अपना चाइल्डहुड, अपना स्कूल उधर बद्दोमल्ली में है। मेरी वालदा ने वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया और उनकी कोशिश ये थी, बद्दोमल्ली में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल मेरी वालदा ने स्टार्ट किया। उनकी कोशिश ये थी कि मेरे चार बेटे हैं तो ये कस्बा छोटा है, उस दौर में इंग्लिश जो है वो छठी क्लास में जाके शुरू होती थी। तो जब मैं वन क्लास में दाखिल हुआ तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, उधर से मेरा स्टार्ट हुआ। और मेरे वालद साहब
ने बड़ी हमें डे एंड नाइट मेहनत करवाई चारों भाइयों को। हम अगर खाने की टेबल पे भी बैठे होते थे तो हमारी तालीम जारी रहती थी, क्योंकि वाला साहब भी टीचर थे, वालदा भी टीचर थी, तो बड़ी जो है ना वो हमें गाइडलाइन मिलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह चारों भाई माशाल्लाह उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त हमारा आपस में एक जॉइंट वेंचर है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले कोई 17-18 साल से सक्सेसफुली चला रहे हैं। मिडल मैंने बदोमली से किया, मिडल में मेरे जी 751 मार्क्स आए और मैंने अपने पूरे ज़िले में टॉप किया, मेरा स्कॉलरशिप था। इसी तरह मैट्रिक में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल बदोमली से मैंने अपनी क्लास में टॉप किया और ज़िला नारोवाल में टॉप किया। और मेरे वालद साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे, मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ, हमारे उस स्कूल में ना आज भी एक आनर बोर्ड है, आनर बोर्ड पे जिस बच्चे का नाम होता है जो अपनी क्लास में से टॉप करता है उसका नाम उस बोर्ड पे एज आ ऑनर जो है कि इस सेशन में इस बच्चे ने टॉप किया, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, अचीवमेंट है मेरे। वो बोर्ड समझ लें जी 1960 का बना हुआ है, टेल वो कंटिन्यूड है। तो मेरे वाला साहब ने मुझे कहा, बेटा अगर आपका इस ऑनर बोर्ड पे नाम आ गया तो आप एक दिन बड़ा बंदा बन जाओगे। मैंने ये सोचा कि इस ऑनर बोर्ड से बड़ा बंदा बनने का क्या तल्लक है। फिर मुझे उन्होंने एग्जाम्पल देनी कि यार वो देखो, वो डॉक्टर रहमत अली शाह उसका नाम था, उसने 1974 में मैट्रिक किया, उसके 814 नंबर थे, आज वो सर्जन है कार्डियोलॉजी सेंटर का। इसी तरह फलां बंदा वो इंजीनियर है फलां जगह पे। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि वाला साहब जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वजन है इस बात में, एंड आई हैव टू डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, वालदैन की दुआओं के साथ, भाइयों की एफर्ट के साथ मेरा ऑनर बोर्ड पे नाम आ गया जी, और मुझे स्कॉलरशिप मिला। और उधर से फिर मैं लाहौर आ गया, लाहौर में मैंने इधर आके फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया एज अ प्री इंजीनियरिंग, जहाँ पे मेरे क्लास फेलोज आजकल लाहौर में ही अपॉइंटेड हैं, DSP ज़िक्रिया यूसुफ साहब मेरे रूममेट भी रहे हैं। तो हम बड़ा FSC में इकट्ठा हमने वक़्त गुजारा। इसी तरह और अच्छे नाम, जिस तरह आजकल अपना DIG अतर इस्माइल साहब हैं, वो भी हमारे गांव के हैं और जो है वो मेरे से एक क्लास जूनियर थे, और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छे ओहदों पे फायज हैं। तो मैंने जी उसके बाद BSc की, BSc के बाद मैंने टेक्सटाइल में स्पेशलाइजेशन की, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की, और साथ MBA किया मार्केटिंग में। नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज से मैंने टेक्सटाइल में जो है वो अपना कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद जी मैंने 1995 में आई वाज इन द सेकंड सेमेस्टर ऑफ MBA व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर एज अ इंटर्नी। US अपैरल जो है इस वक्त लाहौर का बहुत बड़ा नाम है, जो गारमेंट्स की टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उधर से मैंने कैरियर स्टार्ट किया। उधर मुझे जो चांस मिला अच्छा काम करने का, एक्सपीरियंस मिला, उधर जो मेरा इमीडिएट बॉस था वो स्कॉटिश गाय था, हिज नेम वाज जॉन लिडी। उसने मुझे जो उधर से स्टार्ट करवाया, उसने बताया कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द SMV। ही आस्क मी, डू यू नो अबाउट द SMV? मैंने उसे सिंपली कहा कि आई डोंट नो अबाउट द SMV। ही टोल्ड मी SMV स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू। उसने बताया जी हम जब ऑफिस में आ जाते हैं तो हमारे पास टोटल 8 घंटे काम करने के लिए होते हैं, 8 घंटे का मतलब है 480 मिनट। तो आपने 480 मिनट में सारे ऑपरेशन, सारे ऑपरेटर्स की हैंडलिंग ऐसे सेट करवानी है कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़े और काम जो है वो बेहतर हो। ये बेसिकली इसको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कहते हैं, जो US अपैरल में सारी मशीनों के लेआउट हम बना के आए जी, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही चल रहे हैं। मैं US अपैरल में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी 1995 में गया, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड। उधर से फिर ग्रेजुअली मैंने जी 5 साल काम किया 2000 तक 2001 में मैं एज अ डायरेक्टर ऑपरेशंस न्यू एज गारमेंट्स में अपॉइंट हुआ, ये 114 कश्मीर रोड पे फैक्ट्री है, उधर मैंने 6 साल काम किया। उसके बाद 2007 में मेरे भाइयों ने मुझे कहा, स्पेशली
जो मेरे बड़े भाई हैं अमेरिका सैयद हमाद रज़ा, उन्होंने कहा, और इनफोर्स मेरे दरमियान वाले भाई, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ इस बात का, सैयद फवाद रज़ा काजमी, कि हमें अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। मेरे दरमियान वाले भाई जो हैं सैयद फवाद रज़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर इनक्रेज किया, मुझे साथ सपोर्ट किया, मेरे साथ भी लगे रहे। उनकी बड़ी मेहनत है इस काम में, बाकी भाइयों की भी मेहनत है। मेरे जो भाई हैं जी, वो मेरे लिए इंस्पायरेशन है, मेरे वालद साहब भी मेरे बड़े भाई रोल मॉडल हैं, दोनों मेरे बड़े भाई वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, यूनिटी है। छोटा भाई भी हमारे लिए रोल मॉडल है जी, छोटे भाई बच्चे जैसे होते हैं, उसने कभी हमारी बात नहीं मानी। बड़े भाई बापों जैसे होते हैं, वो भी ऐसे हैं कि मैंने कोई बात मुँह से निकाली है तो वो उसको हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रोल मॉडल है या हमारी जो यूनिटी है, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे फैमिलीज़ के लोग लोगों को एग्जांपल देते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली, जॉइंट फैमिली की तरह एज अ वन ग्रुप काम कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि आपने कभी ये सोचा था कि आप इतना पढ़ के बहुत बड़ा बिजनेस रन करेंगे? कभी होता है ना कि बंदा जब स्कूल लाइफ में सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आप बिजनेस में आ गए, तो ये आपको कैसे वालिद साहब ने मोटिवेट किया या आप खुद बिजनेस, आपने बताया तो सब कुछ है लेकिन कुछ आपने बनना था, जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर भी किया, तो आपका वैसे बनने का क्या प्रोग्राम था? मेरा जी बचपन से, देखिए पाकिस्तान में ना पाकिस्तान का कल्चर है, अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह बाहर पढ़ रहे हैं तो अमेरिका में मुकीम है, वो उधर बच्चे का वीएन देखा जाता है, इधर हर पेरेंट का वीएन क्या है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, इससे आगे हम लोग नहीं निकलते। मेरे जहन में बचपन में यही डाला गया कि आपने इंजीनियर बनना है, तो मैंने वो एमबीए कर लिया और साथ टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग कर ली। मेरे वालद साहब की बड़ी विश थी कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने बीएससी के बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में चला गया। फिर जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे वालद साहब, उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि आपने एमबीए करने के बाद आपने जॉब नहीं करनी, सिर्फ आपने एक्सपीरियंस लेना है, एंड यू हैव टू हायर एमबीएस, यू हैव टू हायर इंजीनियर्स, यू हैव टू बिकम ए बिजनेसमैन। मेरे वालद साहब ने, मेरे बड़े भाई सैयद हमाद रज़ा काजमी, सैयद फवाद रज़ा काजमी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पर सपोर्ट किया और मेरे जहन में ये बात डाली कि यार आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वीएन है, तो आप ये इनिशिएटिव लें। फिर मैं इस इनिशिएटिव ये वाला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पिछले 16-17 साल से सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं। सैयद हमाद रज़ा साहब, आपको बहुत लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, तो जो यंग हैं, जो नौजवान यूथ, जो लीडरशिप है, उनको आप कुछ टिप्स दें बिजनेस की, कि आप क्या उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ा टूल है। यहाँ से आपकी फैमिलीज और बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो प्रॉस्पर होते हैं। वो आप नौजवानों के लिए कोई खसूसी, कोई छोटा बिजनेस से वो स्टार्ट ले लें, तो आप बिजनेस पर क्या बातचीत करना चाहिए? देखिए जी, मैं इस पर सारे बंदों को एज आ अपना रोल मॉडल थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ओवरनाइट कोई भी बंदा बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता, आपको बेबी स्टेप्स लेना पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जेन के अंदर ये बात बैठा लें कि बिज़नेस जब आपने स्टार्ट करना है, आपको नाकामियाँ भी होंगी, आपको दिल नहीं छोड़ना, और जेन में आपने गोल सेट करना है, और गोल रोल मॉडल उस बंदे को सेट करना चाहिए हु इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। रोल मॉडल उस बंदे को सेट नहीं करना चाहिए कि जो बंदा अपना बिजनेस नहीं, जिसका चल रहा फ्लॉप हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस में ऊंच नीच आती है, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है, उससे बल्कि साथ खड़ा होना है। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई सैयद हमाद रज़ा काजमी अभी भी ये बात कहते हैं कि यार जिस काम में बंदा ड्रेन करता है उसी में कमाता है। आप अगर एक फील्ड को छोड़ के उसको बंद कर दोगे, आप सारी उम्र नहीं कमा सकते। तो बिज़नेस के लिए छोटे छोटे टिप्स ये हैं कि अपने आप के साथ सिंसियर हों, अपने बिज़नेस को टाइम दें, अपने उसके लिए को आपको करोड़ों को लाखों रुपया नहीं चाहिए। आप देखें आजकल अमेज़ॉन पे है, छोटी छोटी टिप्स हैं। मेरे पास लोग आते हैं,
वो गारमेंट्स जो हमारे पास लेफ्ट ओवर होते हैं वो परचेज़ करके अमेजोन पे सेल कर देते हैं, बाद में उन्होंने अपने ब्रांड्स बना लिए। इस तरह के BCO लोग हैं। मैं आपको यूनिवर्स वालों की बात बताता हूँ, ये 2007 में मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास से लेफ्ट ओवर गारमेंट लेके जाते होते थे। लेफ्ट ओवर गारमेंट वो होते हैं जो गारमेंट हमारे एक्सपोर्ट नहीं होते लेकिन वो फ्रेश होते हैं, उन्होंने मेक नहीं करवाया, वो हमसे परचेज़ करके अपना ब्रांड लगा के बेचते रहे। अब उनका माशाल्लाह अपना ब्रांड है, अपने नाम से बेच रहे हैं। आपका डिसीजन और आपका विजन ठीक होना चाहिए, एक चीज़ ये। दूसरा मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें वो आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार फलां बंदा कर रहा है मैं भी कर लूँ, फलां कर रहा है, इधर मैंने देखा है किसी ने भैंसें रखी हैं लोग कहते हैं मैं भैंसें रख लूँ। बिज़नेस हमेशा वो करें जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जिसकी आपको ग्रास रूट का पता है। नहीं आपने किया बिज़नेस, 6-8 माह ट्रेनिंग लें। मैं सारे लोगों को आपके चैनल पे ऑन एयर बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा किसी तरह का भी बिज़नेस करना चाह रहा है हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन जो पाकिस्तान का एक अदारा है उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, और उसके साथ हमारा एक छोटा अदारा है प्रिक्टी, पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उधर हम बच्चों को मैट्रिक पास, FA पास, MBA पास बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उधर हम उनको मशीन ऑपरेटर बना रहे हैं, उधर हम उनको क्वालिटी की तालीमें दे रहे हैं। इसके अलावा हम जो मर्चेंडाइजर मार्केटिंग के पढ़े लिखे लोग हैं उनको मर्चेंडाइजिंग सिखा रहे हैं, डिज़ाइनर्स उधर से जनरेट कर रहे हैं। जूँ ही वो 6-8 माह उधर काम कर लेते हैं उनको साथ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं उधर रोज़गार का, उनका रोज़गार। और उनको जिस तरह बताया अभी पास्टर साहब ने, मैं MEFRA स्टैंड फॉर मैनुफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स फिरोजपुर रोड एसोसिएशन उसका चेयरमैन हूँ। ये वाल्टन से लेके कसूर तक है, तो तकरीबन इस एरिया में 450 फैक्ट्रीज हैं। आप उधर से कोर्स करें, जो आपको ट्रेनिंग चाहिए हमारी वेबसाइट पे जाएं, www.mefra.pk हमारा पेज मौजूद है, उधर अपलोड करें, हम आपके लिए रोज़गार फ्राहम करेंगे। मैं इस बात पर कतई जो है वो एग्री नहीं करता कि बंदा कहता है जी मेरे पास जॉब नहीं है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है या मिलती नहीं, या मिलती नहीं है। काम करने वाले बंदे, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ आए, हम उनको जॉब देते हैं। आपके साथ मुल्का इलाका है मेरी फैक्ट्री के यूहन्नाबाद निश्तर, उधर से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हमारे साथ रब्ता करें। हम बिल्कुल बिल्कुल आप भेजें, हम उनको जनाब अगर कोई बंदा इलिटरेट है उसको मशीन पे ट्रेनिंग देंगे, अगर पढ़ा लिखा है उसको ऑफिशियल जॉब देंगे, तो आगे कल को वो अपना काम कर सकता है। अगर कोई अंडर मैट्रिक उसके लिए भी, फिर उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग लेबर में ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको मशीन ऑपरेटर बना सकते हैं। और एक मशीन ऑपरेटर जो मेरे पास है वो मंथली 42-45,000 कमा रहा है, मशीन ऑपरेटर 8 घंटे 26 दिन काम करके 40-45,000 रुपया कमा रहा है, एंड द पीपल आर हैप्पी ओवर देयर। उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब्सिडाइज कंटीन है, खाना मिलता है, जो हमारे हॉल्स हैं अभी आपको उधर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं, उधर कूलर्स लगे हुए हैं, ठंडा पानी फिल्टर वाटर में मैसर है, बैठने के लिए जगह है, अच्छा एनवायरनमेंट है। बंदे ने जब काम करना है तो जहन में ये सोचे कि यार सारा दिन ईंटे उठाना जो है वो मजदूरी का काम है, वो मुश्किल काम है, कि आपके लिए ठंडी प्लेस, साफ पानी, साफ सुथरा खाना और आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो उसको वो वाला काम करना चाहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बातें जो हैं ये आपको सुनने में आ रही हैं, और बड़े अच्छे ये फैसिलिटेटर हैं कि वो लोग, वो नौजवान बेटियां भी उनमें हैं, बेटे भी हैं, जो काम जिनको नहीं मिलता और बड़े होपलेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, या वो जाते हैं कहीं वापस आ जाते हैं घर आके और ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं, तो घर वालों को भी परेशान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइज़क टीवी के तफासिल से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप ज़रूर, इन्होंने आपने वेबसाइट भी बता दी, आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, ज़रूर हम आपको भेजेंगे, ताकि आपको अगर जॉब कहीं से नहीं मिल रही तो ज़रूर आपके जो नज़दीक जो यूहन्नाबाद निश्तर है, यहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जिनका तल्लक है, हमारी जो बरादरी है, ये बेशक ये हमें बड़ा ऑनर है कि हम पाकिस्तान के अंदर
बड़े मजबूत हैं। हमारे जो क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग्स होते हैं उसमें भी शाह साहब और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े अच्छे सेमिनार्स होते हैं, बड़े अवेयरनेस के और पीस प्रोसेस पर बड़ा काम है। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी जो बरादरी है हमेशा वो प्यार करती है क्रिश्चियंस के साथ भी। तो ज़रूर नाज़िन इससे ये गोल्डन चांस है, आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अभी आपके साथ बातचीत जारी रहेगी तो आगे फिर जैसे जैसे खुदावन ने आपको बहुत बरकत दी है लोग आपसे ज़रूर आज जो है वो ब्लेस हो रहे हैं। बातचीत खत्म होने के बाद सैयद हमाद रजा हमें अपने सुसर सैयद दुबीर हुसैन नकवी के हमरा चाय की टेबल की तरफ ले गए जहां हमने इनके साथ मिलकर इकट्ठी चाय पी। चेयरमैन मेफ्रा मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन सैयद हमाद रजा हमें अपने खूबसूरत घर स्वीट होम स्वीट का विजिट करवाने के लिए ले गए और हमने मिलकर इनके साथ पूरे घर का विजिट किया। मेरे वाला साहब सैयद जवाद अहमद, इनकी पिक्चर जो मेरे लिए रोल मॉडल है, मेरे बड़े भाई सैयद हमाद रजा काजमी जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, ये मेरी एक पिक्चर है, मेरे किसी शागिर्द ने बड़ी स्पेशल ये दागों से बनी हुई है। अच्छा, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पिक्चर है ये, देखिए आप इसको जितनी दूर से देखेंगे उतनी ज़्यादा ये आपको ना लुक अच्छी देगी। क्या बात है, जितने करीब से देखेंगे और ये सारी दागों से बनी हुई है। विजिट खत्म होने के बाद सैयद हमाद रजा के सुसर सैयद दुबीर हुसैन नकवी से थोड़ी देर बातचीत की। शादी बहुत खूबसूरत होम स्वीट होम देखा है और बुजुर्गों से भी बड़ा अच्छा लगा मिलके, तो आप जरा इनका तारुफ करवाइएगा फिर कुछ बातचीत अगर ये करना चाहे तो। बुजुर्ग जी मेरे फादर इन लॉ हैं बल्कि वालिद हैं सैयद दुबीर हुसैन नकवी, इनका नाम है दुबीर हुसैन नकवी। इन्होंने माशाल्लाह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई है पुराने दौर में। क्या बात है, और बड़ी अच्छी अच्छी मिल्स में एज अ जनरल मैनेजर केन, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस, और इनकी मेन जो फील्ड थी वो शुगर मिल्स थी। और जितनी रिनाउंड शुगर मिल्स है, तांगरेवाला शुगर मिल्स, हसी वकास शुगर मिल्स, अच्छा शुगर मिल्स, उन सारी मिल्स में इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हुई है। तो अब जबकि रिटायरमेंट लाइफ ये ली है इन्होंने, तो तब से वो घर को यही देखते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं इनके साथ रह रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा आप भी बताइए जी, आपके बारे में बड़ी तारीफें सुनी है और बहुत अच्छा लगा कि आप बड़ा अच्छे मनसब पर रहे हैं। तो सैयद अहमद शाह साहब से बड़ा आज प्रोग्राम में बड़ा मज़ा आ रहा है लोग भी देख के। तो आप ये बड़े नौजवान अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, एक एहसास करने वाले भी हैं इंसानियत का, तो आप कुछ अल्फाज इनके बारे में बताएं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है ये जी। ये इससे कदर नजर कि ये मेरे दामाद हैं,
मैं अगर इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहूँगा कि बेहतरीन इंसान, इबादत गुजार, बेहतरीन शौहर हैं ये। मैं इतना पुरसकून जिंदगी गुजार रहा हूँ कि ये मेरी बेटी के शौहर हैं जी। और मुझे ये जिस तरह का इनका मेरे साथ रवैया है, मेरे साथ सलूक है, वो शायद अपने बाप के साथ, सगा बाप होता है उसके साथ शायद नहीं करते लोग, अक्सरियत लोगों की जी जी। मैंने इनको बेहतरीन दामाद पाया, नहायत मेहनती इंसान है। अपनी मेहनत के बलबूते पे इस वक्त जो इनकी पोजीशन है ये बने हैं उसमें, और यही सबक इन्होंने अपने बच्चों को दिया है कि आप मेहनत करें, सादा रहें, मेहनत करें, इसी में अजमत है। और उसका नतीजा ये है कि इनके माशाल्लाह दो बेटे मेरे नवासे, वो दोनों इस वक्त अमेरिका में हैं जी। बताया इन्होंने एक पढ़ रहा है 11th में है और एक बिजनेस कर रहा है। That's great. और बहुत अच्छे बेटे हैं इनकी, बहुत उसमें तरबियत में बाप का बड़ा अमल दखल होता है, माँ का भी होता है लेकिन बाप का बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने इनको देखा कि इन्होंने दिन रात मेहनत की, इस मुकाम पे पहुँचे, यही उनका नस्ब-ओ-रहम है कि हम भी इनकी तकलीद करें और इनको इनके मिजाज के मुताबिक बन के दिखाएं। बहुत बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बड़े प्यारे दामाद हैं। बेटे आपके? बेटे हैं मेरे, बिल्कुल मेरे। इनके साथ इस सुसर और दामाद के रिश्ते के अलावा जैसे इन्होंने बताया और बहुत रिश्ते हैं, ऐसे दोस्त भी हैं। बहुत मुझे खुसूसी तौर पर बड़ा प्यार देते हैं। बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मेरी हर वक्त मेरी सेहत का ख्याल इनको होता है। जरा सा मुझे कोई तकलीफ आती है फौरन आधी रात हो मुझे लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, चलो वहाँ जाएंगे। अल्लाह पाक इनको खैर से रखे, इनको जजाए खैर दे। बहुत बहुत ये बहुत आली आली नसब इंसान। थैंक यू। बहुत अच्छा जी शाह जी, आपसे ये बातें सुन के बुजुर्गों की बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बुजुर्गों की जो दुआएं हैं ना ये आपके लिए कामयाबी का एक साइन है बहुत बड़ा, और इसमें सेहत तंदुरुस्ती ये बुजुर्गों की दुआओं के वसीला से, बुजुर्गों की दुआओं की वजह से ही इस स्टेज पे हूँ। अल्लाह ताला इनका साया सदा हमारे सरों पे सलामत रखे, और बुजुर्गों की दुआओं से और इनकी ताबेदारी से ही ये सारे जो दुनिया के सम्राट हैं वो हम हासिल कर रहे हैं। बाद सैयद हमाद रजा हमें अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री वी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड का विजिट करवाने के लिए पूरे प्रोटोकॉल और भारी सिक्योरिटी के हमरा अपनी फैक्ट्री की जानब लेके रास्ते में इनसे कुछ अहम इश्यूज पर इनकी गाड़ी में अहम गुफ्तगू की। सैयद हमाद रजा साहब, बहुत अच्छी खूबसूरत बातें लोग देख रहे हैं और बड़े वो ब्लेस हो रहे हैं कि नौजवान हैं आप और बिजनेस भी आप कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैंने देखा कि आप सोशल कामों में भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और मैंने अक्सर देखा कि आप जो पीस कॉन्फ्रेंसिस होती हैं उसमें भी आप जाते हैं जहां पीस डायलॉग्स होते हैं, तो आप एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्टर भी हैं एक्सपोर्टर भी हैं, तो आपके फॉरनर्स भी काफ़ी आते हैं स्कॉटलैंड से, यूके से, फ्रांस से, तो कैसा लगा कि पाकिस्तान के अंदर अब बाई द ग्रेस ऑफ गॉड पीस प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त है? चंद साल पीछे चले जाएं तो पीस जो है यहाँ आपको पता है कि टेररिज्म जो है अरूज पे थी, और इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो पाक फौज है उसका बड़ा पॉजिटिव रोल है, तो पीस पर आप क्या बात करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी इस पीस के बारे में पाक अफवाज और जितनी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनका तय दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुल्क को अमन का गहवारा बनाया, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब
हमारे मुल्क में खुदाबंदा करीम के करम से लोग बाहर से भी आ रहे हैं, पीसफुल कंट्री है। आप देखें इन दिनों में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सारा जो काम है वो फॉरनर कंट्री फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है, फॉरनर्स के साथ है। तो जो भी फॉरनर्स हमें ऑर्डर्स देते हैं या जो भी काम उन्होंने हमें असाइन किया होता है तो वो पाकिस्तान को विज़िट करना चाहते हैं। अब खुदाबंद करीम के करम से अब प्रॉपर जो है वो अमन का गवारा मुल्क बन गया है। आप देखें कि लोग फ्रीली फॉरनर भी आते हैं जाते हैं। तो इसमें मैं दोबारा पाक आर्मी और जितनी फोर्सेस हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुल्क को अमन का गवारा बनाया। और आपने पीस की बात की, हमारा जी देखें पीर और सैयद फैमिली से तल्लक है जी, तो सैयद का तो मतलब ही यही है कि उसने पीस की बात करनी है, अमन का गहवारा बनाना है चीज़ों को। जिनकी हम आल उलाद हैं उन्होंने, अगर मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र करूं तो उन्होंने तो हर बंदे को अमन का दरस दिया, पीस भी अपॉन हिम, इसीलिए कहा गया है कि उनका उन्होंने दरस ये दिया कि आपने हर एक नेशन कोई भी है, मज़हब कोई भी है, इसको अमन का गहवारा बनाना चाहिए। एनवायरनमेंट आपका, माहौल आपका, माशरा जो है वो अमन का गहवारा हो, जहाँ प्यार मोहब्बत हो, चाहे वो कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक रखता है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से तल्लक रखता है, चाहे वो सिख कम्युनिटी से तल्लक रखता है, आखिरकार सारे लोग इंसान हैं, इंसानियत जो है वो सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। तो हमारे बड़ों ने बुज़ुर्गों ने हमें इसी चीज़ का दर्श दिया है कि आपने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। क्रिश्चियन बरादरी जो है वो हमारी बरादरी है, हमारे भाई हैं, ऐसे ही हैं कि जैसे मुसलमान आपस में उनके भाई हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मैं हर बंदे को आपके चैनल से, आज़िक टीवी के चैनल से, मैं हर बंदे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अंदर चेंज लेके आए, पेशेंस पैदा करें, मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए अपना अहम किरदार करें, अपना अहम किरदार अदा करें। आपके इर्द गिर्द कोई शरपसंद अनासर हैं तो उनको रोकें, उनको अमन की बात बताएं। हम अपनी आने वाली नस्लों को आज अमन की बातें अवेयरनेस देंगे तो कल को हमारा मुल्क जो है वो एक जन्नत की मिसाल बन जाएगा। लोग इधर आना पसंद करेंगे कि यार उस मुल्क में बहुत अमन है, कि बंदा किसी भी मज़हब से, किसी भी फिरके से तल्लक रखता है, उसको आज़ादाना सहूलियात हैं कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रसूमात, अपने अकायद पूरे कर सकता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा। दूसरा, मैं पास्टर सैमुअल खोकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम किए। मैंने यूट्यूब पे भी इनके प्रोग्राम देखे पिछले दिनों, ये डीसी साहब के साथ क्वेटा में इन्होंने प्रोग्राम किया, तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। लोगों को अवेयरनेस होती है कि माशरे में किस किस किस्म की चीज़ें चल रही हैं और इनका बड़ा तावन है। और स्पेशल मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर अनवर फसल साहब का, जिन्होंने आज़िक टीवी जैसा चैनल जो है उसको प्रमोट किया और उसको ले कर चल रहे हैं। अनवर फजल इज़ अ स्वीट पर्सनैलिटी, इज़ अ ब्लेसिंग पर्सनैलिटी। अल्लाह ताला उनको, खुदाबंद करीम उनको मज़ीद हिम्मत इस्तकामत दे। जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं इस चैनल के लिए, खैरात कर रहे हैं अपनी कौम के लिए। पिछले दिनों मुझे आमने सामने के प्रोग्राम में पास्टर नदीम सलीम साहब के साथ, वो उसके मेज़बान थे, बड़े ग्रेट आदमी हैं वो भी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम उधर ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने मुझे वो सारा आइज़िक टीवी का जो चैनल है वो विज़िट करवाया, एटर्नल चर्च जो है वो विज़िट करवाया। वो सारी चीज़ें देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि पास्टर साहब खुदाबंद करीम के तावन से, खुदाबंद करीम की ब्लेसिंग से नेक काम जो हैं वो कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद अजर दे, और इसमें उनका बड़ा अहम किरदार है। और मैं दोबारा पास्टर सैमुअल खोकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे जो बड़े लोग भी हैं और हमारा भी एक छोटा सा सेटअप है उसको ये लोग कवर कर रहे हैं। अभी हम इनको लेके जा रहे हैं, हमारी जो फैक्ट्री है वी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, उधर सैकड़ों के हिसाब से लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। आपको फैक्ट्री के अंदर मुसलमान भी नज़र आएंगे, 30% क्रिश्चियंस भी हैं, मेरे पास फैक्ट्री में हिंदू भी काम कर रहे हैं, सिख भी काम कर रहे हैं,
क्योंकि ये मेरे बुजुर्गों का मिशन था, घर में भी हमारे घर में भी इवन दैन मेरे घर में भी काम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का ये मिशन था, सिक्योरिटी में भी हमारे बुजुर्गों का ये मिशन था कि आपने जो है इंसानियत को सामने रखना है, मजहब अकवाम सारी सेकेंडरी हैं। तो हम बिल्कुल क्रिश्चियन बरादरी हमारी बरादरी है, मेरे बल्कि अपने 30-40% एम्प्लॉज जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, और मैं इनके बारे में ये लोग बड़े लायल और कोऑपरेटिव हैं और फ्रेंडली हैं और अच्छा काम करते हैं। जब आप इनको अपने साथ लेके चलते हैं तो प्रॉपर ये आपके साथ लायल होके चलते हैं। मैंने अभी तक जितना ये देखा, मेरा को 27 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने यही चीज़ें पाई हैं। शायद ये बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, जैसे अभी आपने पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में कहा, वाकई नो डाउट कि अब वो हर नेशन के जो लोग हैं हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपकी जो बरादरी है सैयद बरादरी, मेरा इनके साथ भी जैसे आपका क्रिश्चियंस के साथ बहुत तल्लक है, मेरा सैयद बरादरी के साथ और मुस्लिम भाइयों के साथ भी बहुत तल्लक है। आप जानते होंगे सैयद महमूदुल हसन साजिद हुसैन शाह मंडी बहावलदीन से, और बुग्गे शाह साहब अली जी जी जी, और ये मेरे काफ़ी दोस्त हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रॉयल स्विस एयरपोर्ट के पास जो उनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल 5-स्टार होटल बन रहा है, और जमील शाह साहब, ये आपकी बरादरी, बहुत ये लोग भी बड़े पीसफुल लोग हैं और ये बहुत जो है ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आपका वहाँ हॉस्पिटल है, आपका फ्री हॉस्पिटल आपका उधर है नारोवाल अपने गांव के पास है, तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को अगर हमने कामयाब बनाना है ना, तो जो ह्यूमैनिटी है ना, इसको हमने प्रमोट करना है, इंसानियत को। मजाहब हर का एक अपना अपना मज़हब है, चाहे वो क्रिश्चन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, वाट एवर कोई भी है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हमने वन नेशन, जब तक हम ना बने एक कौम, हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम अपने अपने अकीदों पर कायम और दायम हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ रफाकत शराकत, और पूरे दुनिया में आपका ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप बड़े लिबरल हैं, बड़े आप ब्रॉड माइंडेड हैं और बड़े एजुकेटेड हैं, और आखिर में आपसे फैक्ट्री आपकी आने वाली है, ये पूछो आपकी खूबसूरती का राज क्या है, बड़े स्मार्ट हैं, यंग हैं, और ये ज़रा बताएं आप क्या जॉगिंग वगैरह करते हैं या कुछ, या डाइट कंट्रोल ऐसा क्या है? उसमें जी दोनों चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ। ये आपकी बैग पे मेरा ट्रैक सूट जो है वो पड़ा हुआ है, ऑफिस से फारिग होके मैंने जिम चले जाना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। नाश्ते में मैं बहुत चूजी हूँ, लाइट चीज़ें लेता हूँ, मैं फूडी बंदा नहीं हूँ, मैं उतनी डाइट लेता हूँ, वेजिटेरियन कह लें, और बिल्कुल समझ लें कि उतनी डाइट लेता हूँ जितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है। मैं उस लेवल की जंक फूड्स, बर्गर, इन सारी चीज़ों से परहेज़ करता हूँ। सिंपल फूड, घर का खाना मैं लाइक करता हूँ। खत्म होते ही हम इनकी फैक्ट्री पहुंच गए, जहां पर इनके आला अहदों पर फाइज मुलाजमीन ने हमें खूबसूरत माला पहनाकर और खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश करके हमारा आउटस्टैंडिंग वेलकम किया।
बाद सैयद हमाद रजा, हमें अपने जर्नल मैनेजर प्रोडक्शन मोहम्मद रफीक और मैनेजर एचआर एंड एडमन सैयद अनिल असगर के हमरा फैक्ट्री के मुख्तलिफ यूनिट्स का विजिट करवाने के लिए ले गए, जहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की जीन्स तैयार की जाती हैं। उन्होंने हमें अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट करवाया और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और स्टाफ का पूरा इंट्रोडक्शन करवाया और अपनी प्रोडक्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। आफ्ताब मेरे साथ पिछले कुछ 30 सालों से एमएमसी सारी जितनी गारमेंट रिलेटेड परचेजिंग वो करते हैं। अदनान ये इनके असिस्टेंट हैं, ये भी पिछले 6-7 साल से हैं। ये हमारा है जी वुई अपैरल का सारी सर्टिफिकेशंस, लोगोज और ये देखें अकोटैक्स ISO BSCI वेल सर्टिफाइड है, फैक्ट्री जो है वो सारी चीज़ें अवार्ड्स भी आपको दिखाते हैं। अनिल साहब समझ लें कि हाफिज इश्फाक इसके इंचार्ज हैं, ये पिछले कोई 18-1 साल से मेरे साथ हैं और ये सारी मशीन के फोल्डर सारी चीज़ें जो मशीन ख़राब होनी है उसके पार्ट्स वगैरह, ये मिनी वर्कशॉप है, इधर ही रिपेयर हो रही है कटिंग डिपार्टमेंट। और ये देखें वो नीचे आपने मार्कर पंखे देखे हैं, ये उसकी कटिंग हो रही है, ये देखिए कितना स्पीडी सारी कटिंग प्रॉपर एरिया ले लग रही है, सारे बंदे ये काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कितने लोग, ये हमारे राशन कटिंग मैनेजर हैं, इनको ज़रा वीडियो में लेके आए, इनको प्रॉपर से मिलवाएं। कटिंग मैनेजर हैं ये पूरे एरिया को, ये देख रहे हैं बाकी आगे इनकी नीचे टीम है टोटल। मेरा पुराना मेरा वर्कर है, पिछले कोई 22-25 साल से मेरे साथ है जी। ये सारे बंदे पुराने हैं, काम करने वाले हैं। Thank you.
पार्टी का विजिट खत्म होने के बाद उन्होंने हमें इंपोर्टेड परिंदों के बारे में भी पूरी जानकारी दी। हम दोबारा इनके ऑफिस तशरीफ लेंगे, जहां पर फाइनेंस मैनेजर ने सैयद हमाद रजा से फैक्ट्री मुलाजमीन की तनख्वाह देने के लिए चेक पर दस्तखत करवाए, जिससे हस्बे ममूल फैक्ट्री मुलाजमीन को हर माह की 3 तारीख तक तनख्वाह मिल जाती है। बाद वो हमें खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले गए, जहाँ पर इनके आला ओहदों पर फाइज स्टाफ मेंबरान ने अपना अपना तारफ करवाया। इसके बाद हम सब ने मिलकर CEO SJ राइस मिल व वी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड सैयद हमाद रजा के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। खाने में मौजूद मलाई बोटी, चिकन बिरयानी, दरिया की मशहूर सोल मछली, मटन कढ़ाई, स्पेशल सैलड और स्वीट डिश में रस मलाई और ट्राइफल मौजूद था। आखिर में फैक्ट्री की सिक्योरिटी ने हमें गॉड ऑफ ऑनर पेश किया और सैयद हमाद रजा ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम से सी ऑफ किया।